नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएम चर्चा के एक नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए, जो भी आप लोगों के सवाल आए थे, आज मैं मंजीत सर से क्वेश्चंस पूछूंगी और सर आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन जो आया एक स्टूडेंट का, वो ये है कि आई एम न्यू इन दिस फील्ड, कैन आई क्रिएट माई वेबसाइट विदाउट कोडिंग? देखो, जहाँ तक बात आती है वेबसाइट को क्रिएट करने की विदाउट कोडिंग, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं थे, कुछ हमारे पास में ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं थे जिसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को विदाउट कोडिंग जो है वो क्रिएट कर सकें। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडी टू यूज़ अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ उन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करने के लिए, उनको ऑपरेशनल करने के लिए हमारे पास में वर्डप्रेस जैसे एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है, जिसके जरिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो वेबसाइट्स हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कोडिंग से एलर्जी है, या कोडिंग आपको नहीं आती है, या कोडिंग आप सीखना नहीं चाहते हैं, उससे आप कंफर्टेबल नहीं है, इवन दो आप अपनी वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सर, सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर करियर इन SEO फील्ड? देखो, करियर इन SEO फील्ड की बात करें तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, उसी के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सो बेसिकली आज हम डिजिटल जमाने की बात कर रहे हैं, हर चीज, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर कोई चाहता है कि उसकी डिजिटल प्रेजेंस हो। और डिजिटल प्रेजेंस के अंदर आज की डेट में जैसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स थे, वैसे ही कंपटीटर्स आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप जो है टॉप पे रहना चाहते हो, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। प्रायोरिटी तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के साथ साथ आपको एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, शोरूम को, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसको जो है नंबर वन पे, टॉप पे लाना चाहता है, तो डेफिनेटली उनको चाहिए होता है एक SEO एक्सपर्ट, यानी कि सर्च इंजिन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंटिन्यू उस पे ऑप्टिमाइजेशन करता है, कंटिन्यू उसको मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है, फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं वो करने के बाद उसको टॉप पे लेके आता है। तो आज की डेट में आप देखें अगर मार्केट का, या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे कि हाउ मेनी डोमेन्स आर यू नो रजिस्टर्ड पर डे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डोमेन जो है हर दिन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अगर इतने डोमेन क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चाहता नहीं है कि मैं नंबर वन पे ना आऊँ, हर कोई चाहता है मैं नंबर वन पे आऊँ। तो उसके पास में एक ऐसा पर्सन होना मैंडेटरी है कि जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता हो। तो इसके अंदर तो डेफिनेटली जब तक डिजिटल वर्ल्ड है तब तक जो है SEO एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी मार्केट के अंदर। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव क्रिएटेड माई वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, बट हाउ टू इंक्रीज द SEO, एनी आइडिया? देखो, वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट क्रिएट करना बहुत आसान है, एज आई सेड कि कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू नो कि हम उसको टॉप रैंक पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए SEO वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब SEO अगर वर्डप्रेस की बात करें तो देखो, दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर आप पहले से SEO एक्सपर्ट हैं, यू नो व्हाट आर द कंडीशंस, तो आप उसको जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, या जो भी आप पेज बना रहे हैं, या जो भी पोस्ट आप अपडेट कर रहे हैं उस पर, तो उसके अंदर जो है आप वो सारे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एक SEO पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, चाहे वो ऑन पेज हो, चाहे ऑफ पेज हो, चाहे फिर टेक्निकल SEO हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर आपके जो है यूज़ किए जाते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास में वो नॉलेज है तो आपको किसी भी प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट नाउ डेज हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, और कुछ लोग SEO सीखते जरूर है लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डे वन से जहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो डिपेंडेंसी रखते हैं किसी ऐसे टूल के ऊपर में, जहाँ से वो अपने द्वारा किए गए काम को जो है एनालाइज कर सके कि वाकई मैंने परफेक्ट किया है कि नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट का पूछा गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, राइट, जैसे रैंक मैथ SEO वाला टूल है, योस्ट SEO टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप
नहीं जानते हैं SEO, आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर जो भी आपका आर्टिकल है उसके डाउन पे अगर स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको वो सारी गाइडलाइन वो दिखा देंगे कि आपका मीटर डिस्क्रिप्शन कितना होना चाहिए, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए, राइट, आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं कि नहीं है, इंटरनल लिंक्स आपने क्रिएट करे कि नहीं करे, आपका H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग वगैरह, हर चीज़ जो पैराग्राफ्स लिखे जा रहे हैं उसके अंदर जो पैसिव वॉइस है वो कितनी है, उसके क्या परसेंटेज वगैरह हैं, अगर आपका कोई पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वर्ड काउंट बता देगा, उसको आप डिवाइड करके करें, अगर आपके उसमें जो है इंडेक्सिंग नहीं है तो वो बता देगा, ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। यूज़र रीडेबिलिटी की बात करें ताकि यूज़र जो है आसानी से चीज़ों को समझ सके, तो ये काफ़ी सारे जो फैक्टर्स जैसे मैंने बताए उन सभी का इस्तेमाल जो है इस पूरे टूल्स के अंदर पहले से प्री डिफाइंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिससे कि जो भी आप पोस्ट क्रिएट करते हो या पेज पे कंटेंट डालते हो ये उसी को पूरा एनालाइज करता है और आपको एक वहाँ पे परसेंटेज बताता है कि एज पर दी SEO अगर आप ये जो लिखा है आपने वो कितना परसेंट एक्यूरेट है। तो ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि SEO एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम ऑनगोइंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि SEO एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। SEO जो है वो हमेशा एक बार जो आपने सेटिंग्स करी हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद में आपको दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई रैंक में क्यों नहीं आ रहा है, सर्च में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो टॉप पे नहीं आ पा रहा है, तो बार बार हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। बट ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप फ्री में भी अवेलेबल हैं और पेड में भी अवेलेबल हैं, आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करके अपना SEO जो स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव क्रिएटेड गूगल एड्स कैंपेन एंड स्पेंट ₹150 पर डे बट कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या करूं? देखो, मैं पिछली जो हमारी DM चर्चा हुई थी उसमें भी मैंने बताया था कि गूगल के अंदर एड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन किया हुआ आप एल्गोरिदम कह सकते हैं उसको, और जिसके अंदर जो है एक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना उसको किसी भी कैंपेन को बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, स्पेशली जब हम बिगनर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया कि मैं एक एड कैंपेन क्रिएट करा, ₹150 पर डे लगाया, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि कोई उसका सपोर्टिंग नहीं बताया गया सिनेरियो कि किस तरह का कैंपेन है, लाइक वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, राइट, इस तरह का कुछ बताया नहीं गया है, तो इसलिए ऐसे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में उसका राइट आंसर देना मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए क्या जितने भी एड एक्सपर्ट्स हैं उन सभी के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई बेस नहीं बताएगा किस बेस के ऊपर में हम उसको आंसर करें। मैं एक जनरल आंसर कर देता हूं यहां पे, देखो तो क्या होता है कि ये सब डिपेंड भी करता है कि हमने कैंपेन किस तरीके का डिज़ाइन किया, कहीं क्योंकि एक कैंपेन जब हम ऐड को क्रिएट करते हैं, कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं हमें कि आप कीवर्ड बेस पे जाना चाहते हैं, आप जो है किसी रेफरेंस बेस पे जाना चाहते हैं, या ऐसे कई सारे या ऑडियंस बेस पे जाना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट बेस पे जाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं क्योंकि उनको ऑप्शन सभी दिख रहे हैं वो सभी के अंदर जो है अपने जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफाइन कर देते हैं, अल्टीमेटली एल्गोरिदम को जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कुछ सिनेरियो जो है वो क्रिएट कर देते हैं जिससे एल्गोरिदम समझ नहीं पाता कि आप इंटरेस्ट बेस पे जाना चाहते हो, आप कीवर्ड बेस पे जाना चाहते हो, आप किसी रेफरेंस बेस पे जाना चाहते हो, तो एल्गोरिदम क्या करता है फिर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है एल्गोरिदम को, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो एड है, आपका जो कैंपेन है, जिस टारगेट ऑडियंस को लेके आप क्रिएट करना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आपने डिफाइन कर दी तो वहां से रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल पाते क्योंकि एल्गोरिदम इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पे उसको पोस्ट करे, कहाँ दिखाए, कहाँ नहीं दिखाए, वो एक बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता है, तो इस वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपको ये समझना होगा कि आप या तो इंटरेस्ट बेस पे जाओ या आप जो है आपके रेफरेंस बेस पे जाओ या फिर कीवर्ड टारगेट बेस पे जाओ, तो कोई एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके जाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा आप चाहे किसी भी बेस पे कोई भी कैंपेन क्रिएट करो उसके अंदर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन होता है, यानी कि
जब आपकी एड कुछ समय के लिए रन करती है उसके बाद में आपको देखना पड़ता है कि ऐसी कौन कौन सी सर्च हुई हैं जिसपे आप नहीं चाहते कि आपका जो एड कैंपेन है वो दिखे। तो जैसे जैसे एल्गोरिथम आपकी ऑडियंस को समझता है जो आप चेंजेस करते हो लेटर ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो कैंपेन है वो रिफाइन होते चलता है। स्टार्टिंग के नो डाउट कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो जीरो भी हो सकता है और कन्वर्जन रेशियो आपको मिल भी सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यू ऑप्टिमाइज करेंगे वैसे वैसे एल्गोरिथम आपकी टारगेट ऑडियंस को समझेगा और उसके बाद में आपको परफेक्ट जो रिजल्ट हैं वो दे देगा। तो चलिए गाइस, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के जो भी सवाल थे आपको उनके आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके और कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो जो अगली डीएम चर्चा होगी आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।